देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो, लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो, लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है।